हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज हम बनाने जा रहे हैं दुर्गा पूजा स्पेशल भोग और साथ में हम बनाएंगे बैगन का भाजा। तो भोग बनाने के लिए सबसे पहले ये बासमती चावल है और साथ में मूंग का दाल है। दोनों को अच्छे से धो करके आधा घंटा सोक करके उसके बाद इसका पानी निकाल लेंगे और इसको एकदम ड्राई कर लेंगे। अब हम डीप पैन या मिट्टी का हांडी में घी डालेंगे और घी जब मेल्ट हो जाए तब हम इसमें मूंग का दाल डालेंगे और इसको जो है एक दो मिनट तक भून लेंगे। दाल जब आधा पक जाए इसके बाद अब हम चावल डालेंगे, क्योंकि दाल चावल को आप कभी भी एक साथ मत डालिए। दाल के पकने के बाद ही आप चावल डालिए, नहीं तो चावल साथ में डालेंगे तो चावल जो है टूट जाएगा। तो चावल डाल करके इसको जो है एक दो मिनट और इसको भून लेंगे और इसके बाद इसको निकाल लेंगे। जब आप अगर भोग बना रहे हैं तो आप मिट्टी के हांडी का ही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी से अच्छा फ्लेवर आता है और जो डिश को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो फिर अब हम इसमें डालेंगे हांडी में सरसों का तेल। सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो हम डालेंगे इसमें गोभी कटे हुए और इसको भी एक दो मिनट तक इसको पका लेना है। हल्का जब लाइट बिल्कुल हल्का कलर आ जाए गोभी में एक दो मिनट होने के बाद जो है, अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को भी डाल करके गोभी और आलू दोनों को दो से तीन मिनट लगते हैं मीडियम आंच पर, आप इसको हल्का भून ले। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, फिर नमक, और हल्दी नमक डालने के बाद जो है इसको ढक करके एक दो मिनट तक उसको पकने दीजिए। एक दो मिनट हो गया है, सब्जी भी जो है अच्छे से पक गया है और हल्का कलर भी आ गया है। अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है उसी सेम हांडी में ही और भी सरसों का तेल डालेंगे। भोग बना रहे तो आप मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिए। साथ ही डालिए अब जीरा। जीरा जरा क्रैकल हो जाए तो बे लीव्स। इसके बाद सूखी हुई लाल मिर्च, ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, सबको डाल करके एक मिनट इसको क्रैकल होने दीजिए। उसके बाद अब हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको एक मिनट तक पका लीजिए। जब टमाटर गल जाए तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जैसे कि अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर और जिंजर का पेस्ट। इसको डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक दो मिनट और पकाएंगे। तीन मिनट इसको लगते हैं टमाटर को गलने के लिए। जब टमाटर अच्छे से गल जाए तो अब हम इसमें डालेंगे दाल और चावल। दाल और चावल डालने के बाद इसको मध्यम आंच पर ही इसको आप दो से तीन मिनट तक इसको सॉटे कर लीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे ये ड्राई कोकोनट पाउडर है, ये ऑप्शनल है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नाप करके 5 कप पानी। पानी डालने के बाद इसको चला लीजिए और एकदम लो से मीडियम हीट पर इसको ढक करके रख दीजिए कुक होने के लिए कम से कम आधा घंटा। आधे घंटे के बाद आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि दाल और चावल जो है पके हैं कि नहीं। पूरा पकना नहीं चाहिए, 80% अगर ये दाल चावल कुक हो गया है तो अब आप इसमें जो है सब्जियां डालें, ये मटर है, सबको डाल करके मिक्स कर लीजिए और इसको वापस जो है ढक करके 4-5 मिनट तक और पकने दीजिए। आप अगर भोग बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर के इस्तेमाल मत कीजिए। भोग जितना स्लो हीट पे वो पकता है उतना ही अच्छा टेस्ट आता है, और लास्ट में जब लगे कि सब अच्छे से मिक्स हो गया पक गया तो गरम मसाला डाल दीजिए और उसको ढक कर दीजिए, ढक दीजिए ताकि गरम मसाला का जो खुशबू है वो भोग में मिक्स हो जाए और
फिर हीट बंद करके आप बस घी डालिए और ये हमारा जो भोग है वो बंद करके तैयार हो गया है। इसके बाद हम बनाएंगे बैंगन का भाजा। तो एक बॉल में यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1/4 कप चावल का आटा, साथ में डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन और मंगरेल दोनों को डाल दीजिए। अजवाइन को हाथों से मसल करके डालिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर पानी डालते डालते इसको बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा स्मूथ बैटर बनाना है। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आप जितना बेसन ले रहे हैं उसका 1/4 चावल का आटा लीजिए, तभी भाजा जो है अच्छा कुरकुरा बनेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एकदम स्मूथ बैटर है। अब हम बैंगन को पहले धो के अच्छे से इसको ड्राई कर लेंगे और यहाँ पर मैंने स्लाइसर का हेल्प से इसको बिल्कुल एकदम थिन स्लाइस किया है। आप चाकू से भी इसको जितना हो सके पतला आप उसको काट लीजिए। और साथ में फिर हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम इसको फ्राई करेंगे। एक एक बैंगन को बैटर में डिप करेंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। ये जो हमारा जो भाजा है वो अपने आप ही फूल करके ऊपर आ जाता है और इसको हल्के से आप इसको पलट दीजिए और जब हल्का कलर आ जाए, हल्का लाइट कलर आ जाए तो ये भाजा निकाल लीजिए और ये बन करके तैयार है। दुर्गा पूजा के भोग के साथ ये बैंगन का भाजा का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। आप भी ट्राई कीजिए और आपके फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए।